फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आपको क्या हर टीम पर वीडियो चाहिए कि कौन सी टीम का कौन कैप्टन बनने वाला है, तो बहुत लोगों ने कहा हाँ, पर कुछ लोगों ने ना भी कहा। तो मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ उन्हीं टीम पर वीडियोस बनाऊंगा जिनका डाउट है कैप्टन, कि हाँ इनका कौन कैप्टन बनेगा, जिनका डाउट है मैं उन्हीं पर सिर्फ बनाऊँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं तमिल तलाइवास के कैप्टन के बारे में। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। फ्रेंड्स, तमिल के कैप्टन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये दो नाम आते हैं, मंजीत चिल्लर और अजय ठाकुर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन बनेगा कैप्टन तमिल तलाइवास का पीकेएल 2018 में। ऑप्शन मंजीत चिल्लर और अजय ठाकुर, वोट दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किसको चाहते हो, फैन किसको चाहते हैं कि कौन कैप्टन बने। दोनों अच्छे कैप्टन हैं। पिछले साल अजय ठाकुर ने एक कप्तानी की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उससे पहले इतनी कैप्टनसी नहीं थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। कैप्टन में कैप्टन भी थे, ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। पर पिछले साल जो मंजीत चिल्लर का था, इंजरी कारण वो उतना नहीं खेल पाए थे अच्छा। तो मंजीत चिल्लर का, और पिछले साल मंजीत चिल्लर भी कैप्टन थे, तो मंजीत ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था क्योंकि वो इंजर्ड थे, और अजय ठाकुर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। पर यार, बात करें कि जयपुर पिंक पैंथर्स में पहले जसवीर सिंह भी थे, तो इस टीम के क्या कैप्टन जसवीर सिंह भी बन सकते हैं? तो मैं बता दूं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जब पिछले बार जसवीर और मंजीत जयपुर में थे तो कैप्टन तो हमें मंजीत ही बनते हुए दिखे थे। तो मंजीत और अजय में से कोई कैप्टन बनने वाला है, मैं चाहता हूँ कि अजय ठाकुर कैप्टन बने। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। फ्रेंड्स, अगर अजय ठाकुर कैप्टन बनते हैं तो जैसा हमने उनको पिछले साल देखा था, वो कुछ भी प्रेशर में नहीं थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। पर मंजीत यार, थोड़ी कुछ दो सालों से जितने वो बड़े ऑलराउंडर है उतना कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। पिछले साल तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए थे, उससे पिछले साल कुछ किया भी था, थोड़ा नाम खराब हुआ है मंजीत चिल्लर का। तो मैं चाहता हूँ कि मंजीत चिल्लर को एक बार कैप्टनसी से हटा दिया जाए और उसके बाद वो बिना प्रेशर के खेले, तब वो फिर से उनका शायद ऑलराउंडिंग वाला परफॉर्मेंस निखर जाएगा, तो तमिल तलाइवास को ये अकेले ही जीत दिला सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार उनको कैप्टन से हटा दिया जाए इस साल और अजय को ही बनाया जाए, क्योंकि पिछले साल अजय कैप्टन होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मतलब इनको भी अब प्रेशर झेलना आ चुका है। वैसे मंजीत भी अच्छे कैप्टन है, पर उनका परफॉर्मेंस आजकल अच्छा नहीं रह रहा है कैप्टन रहकर। तो मैं चाहता हूँ उनको कैप्टन से हटा कर ऊपर से प्रेशर हटाया जाए। आप यार आई बटन पर क्लिक कर जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हो, और फ्रेंड्स आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और आप हमें जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।